मिशन शिक्षण संवाद द्वारा प्रस्तुत पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की प्राइमरी लेवल की इंग्लिश टीम के सभी सदस्यों की मदद से मैं शालिनी कुशवाहा आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन की शुरुआत करते हुए आपको इंग्लिश सीखने के सफर में ले चलती हूँ। डे वन, वर्ड फॉर्मेशन। हिंदी भाषा में जिस तरह स्वरों की छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, ए ऐ ओ औ की मात्राएं व्यंजनों में लगाकर अनेकानेक शब्द बनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही अंग्रेजी में पांच वॉवेल्स ए ई आई ओ यू जिनके स्वर भी हिंदी जैसे ही निकलते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ए ई आई ओ यू आपको दिख रहा होगा, जिनके स्वर भी हिंदी जैसे ही निकलते हैं, इन्हें कॉन्सोनेंट्स में जोड़ने से वर्ड्स बनते जाते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। जैसे अब आप देखिए, आपके सामने ये है आ, जिससे यू का जो साउंड है वो आ निकलता है, जबकि बड़ा आ ए से भी होता है और डबल ए से भी होता है। इसी प्रकार छोटी ई आई से होती है और बड़ी ई डबल ई से या कई बार एक ई से भी निकलती है, और बहुत बार ई और ए दोनों मिलकर भी बड़ी ई बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह उ, जैसे यहाँ पर आ का साउंड देता है यू, उसी तरह ऊ का साउंड भी देता है यू, और बड़े उस जैसे डबल ओ है उससे भी छोटा ऊ का साउंड भी निकलता है और बड़े ऊ का भी साउंड निकलता है। ए ई से बनता है और ए आई से भी बनता है, ए से भी बनता है और ए ई से भी बनता है जो यहाँ नहीं है, ओ से बनता है और ओ ए, औ ए यू से भी बनता है और ओ यू से भी बनता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे आप शुरू में देखिए यू साउंड दिया हुआ है, आप देखिए बी यू टी बट, इसी प्रकार ए या फिर डबल ए का अगर हम लें तो आप देखें बी ए डबल एल बॉल, इसका मतलब आ का साउंड निकला, और ई छोटी ई का साउंड जैसे बी आई टी बिट। अच्छा, अब आप इसमें ये मत समझ लीजिएगा कि सब में बी ही क्यों लग रहा है, इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं जैसे एस आई टी सिट, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि इन सभी जो ये दिए हुए हैं आपको ए ई आई ओ यू मात्राओं के रूप में, इनसे बहुत सारे अलग अलग शब्द बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए इससे भी और भी क्लियर हो जाएगा। बी यू टी बट आ का स्वर दे रहा है, ब आ और ट, तो ये बन गया बट। सी ए आर कार, सी ए आर आ का स्वर है, क आर कार। इसी तरह सिट, ई का स्वर, स ई ट सिट। जे डबल ई पी जीप, बड़ी ई का स्वर है, ज ई प जीप। एफ डबल ओ टी फुट, ऊ का स्वर है ना डबल ओ से, फ ऊ ट फुट। उसी तरह डब्ल्यू डबल ओ एल बड़े ऊ के लिए, अभी देखिए यहाँ डबल ओ से छोटा ऊ था अब बड़ा ऊ भी है, तो व ऊल वूल। आइए आगे देखते हैं, इसके बाद एल
ई जी लेग, ए साउंड किससे निकला, ई से, और लेग हो गया। एफ ए एन फैन, ए का साउंड किससे निकला, ए से निकला, फ एन फैन, और पी ओ टी पॉट, ओ का साउंड किससे निकला, ओ से पॉट। हम इसे और अच्छे से समझेंगे आगे एक्सरसाइज के माध्यम से। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, आप ये देखिए एक्सरसाइज में आपके है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वॉवल्स। अब इसमें आप अगर भरना चाहें तो एफ ए एन, आप यहाँ पर ए भी भर सकते हैं और एफ यू एन फन भी हो सकता है। पहले वाले में एफ ए एन फैन, ये भी सही है, और एफ यू एन फन भी सही है। इसके बाद सिट, दूसरे वाले के लिए एस आई टी सिट, और एस ए टी सेट भी हो सकता है। इसी तरह अब हम तीसरे वाले पर जाएंगे, थर्ड है आपका जे ए आर जार, तो यहाँ पर जे ए आर जार हो गया। बी डैश है और ई, तो अगर हम यहाँ पर बी डबल ई, एक ई पहले से ही है और एक ई और लगा दें तो बी बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप ये देखिए पेन, पेन में हम ई लगा दें तो पेन हो गया, आई लगा दें तो पिन हो गया, है ना। और अब हम आगे देखेंगे बी ओ के, छोटे ओ का बी डबल ओ के बुक, और ये सेवेंथ आपका है एम ए एन मैन। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ये सोचें कि वर्ड फॉर्मेशन की आवश्यकता क्या है आपको, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश आखिरकार कहीं से कहाँ से आया। तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन में चले जाएं, अगर तो मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया है, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहे, कुछ लोग यहाँ 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 रहे, है ना। ऐसा ही तो हमारा वर्ल्ड का मैप है, मैप नक्शा, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए इंडिया के लोग रहे, यहाँ पर मान लीजिए और दूसरे देश के लोग रहे, यहाँ तीसरे देश के लोग रहे, यहाँ चौथे देश के लोग रहे, है ना। तो आपने ये देखा कि एक वर्ड ले लेते हैं चेयर, कुर्सी, है ना। तो इसमें क्या होता है, कुर्सी होती है, कोई इसको बोलता है कुर्सी, कोई बोलता है चेयर। अब इन दोनों में ना तो चेयर में और कुर्सी में कुछ भी समान नहीं है, लेकिन बस उन्होंने मान लिया कि हम इस चीज़ को चेयर बोलेंगे, हम इस चीज़ को कुर्सी बोलेंगे। अब इन शब्दों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, कहाँ से बेसिक से शुरुआत हुई, वही बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप धीरे धीरे समझते जाएंगे तो आपको हिंदी तो आती ही है, इंग्लिश में कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे वॉवल साउंड बना, कैसे कॉन्सोनेंट ए से लेके जेड तक हमारे पास ए टू जेड होता है, और ए टू जेड में ए ई आई ओ यू, ये केवल पांच हमारे पास वॉवल होते हैं जो मात्राओं का काम करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 21 बचते हैं, जो 21 बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट ठीक वैसे जैसे क ख ग घ ङ होता है, और उनमें हम मात्राएं लगाते हैं, का में आ की मात्रा, वैसे के में ए लगा दिया तो का बन गया, ठीक है। तो इसी को हम धीरे धीरे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। इस बार हम कॉम्प्रिहेंशन का जो ये पैसेज है ये भी पढ़ लिया करें, शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरह। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझकर किसी चीज़ को पढ़ना। अब आप ये देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर
ढूंढिए जो कि नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। संडे वॉज सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। सुनील अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सुबह का नाश्ता होता है ना, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो सुनील अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट ले रहा था, मतलब कि सुबह का नाश्ता कर रहा था। हिज फादर गेव हिम अ बनाना, उसके पिता ने उसको एक बनाना दिया। बनाना मीन्स केला दिया। ही एट इट एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो। ही एट, पहले तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। ही एट मीन्स उसने खा लिया। इट, इसको, किसको खा लिया? बनाना को। एंड और क्या किया उसने? थ्रू, टी एच आर ई डब्ल्यू, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है फेंक देना। थ्रू द पील का मतलब होता है छिलका। बनाना जब हम खाते हैं उसका छिलका भी तो होता है, तो उस छिलके को उसने कहाँ फेंक दिया? आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऑन द रोड, सड़क पर फेंक दिया। अब आप सोच रहे हो कि तो बहुत गलत काम है ना? हाँ बेटा, ये गलत काम है, इसीलिए ये आपको पैराग्राफ भी पढ़ना है। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर, एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, उसने वो जो छिलका था ना बनाना का, केले के छिलके को, उसने ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान उस साइड नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ? ही स्टेप्ड ऑन इट, उसका उसके ऊपर पैर पड़ गया। स्टेप का मतलब होता है कदम पड़ गया। ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड, और वह क्या हो गया? स्लिप हो गया मतलब फिसल गया। सुनील लाफ्ड एट दिस, वेरी बैड ना, सुनील लाफ्ड एट दिस, सुनील इस पर बहुत तेजी से हंसा। लाफ मतलब मुस्कुराना नहीं होता, स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है। लाफ्ड एट इट, वह सुनील जो है उस पर बहुत तेज हंसा। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप द बिकॉज ही वॉज इंसर्ट, जो ओल्ड मैन था वो उठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसको बहुत तेज चोट लगी थी, वो घायल हो गया था। हिज फादर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, हिज फादर मीन्स सुनील के पापा जो ये सब देख रहे थे, केम टू सुनील एंड सेड, सुनील के पास आए और बोले, डोंट लाफ, हंसो मत। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड, ये बूढ़े व्यक्ति जो हैं, ये बूढ़े आदमी गिरे हैं क्योंकि तुमने केले का छिलका रोड पर गिरा दिया। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, तुम्हें इसको, यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, तुम्हें इसको डस्टबिन में डालना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम, और अब चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? पापा ने कितनी सही बात बोली। इसके बाद क्या हुआ? दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम, उन्होंने उस बूढ़े आदमी की उठने में मदद की और उसके घर ले गए। द ओल्ड मैन थैंक देम, उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद किया। सुनील फेल्ट अशेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, सुनील को अपने गलत व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ,
उसने शर्म महसूस की। देखो यहाँ पर फेल्ट लिखा हुआ है ना बच्चों, फेल्ट का मतलब होता है शर्म महसूस करना, जैसे अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्म और फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। तो उसको बहुत शर्म महसूस हुई एंड सेड सॉरी, एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन, और उसने क्या किया, उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को सॉरी बोला। ही प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो जो ये कूड़ा है उसको डस्टबिन में ही फेंकेगा। तो चलो अच्छी बात है, उसको कुछ सीख मिली, लेकिन आपको भी एक सीख मिलनी चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो अभी हमें वर्ड सिखाया ही नहीं और इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया। तो बच्चों हम कभी कभी कुछ चीज़ें जब ऐसे पढ़ लेते हैं, किसी की मदद से पढ़ लेते हैं, तब भी हमें वो बहुत फ़ायदा करती है। तो आप धीरे धीरे जब आप रोज़ इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए इसका आंसर देते हैं। व्हाट डिड सुनील्स फादर गिव हिम, सुनील के फादर ने उसको क्या दिया, बॉल दी थी, नहीं, पेन दिया था, अ पेन, नहीं, एन एप्पल, नो, अ बनाना, यस। जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हु फेल डाउन, कौन नीचे गिर गया, फादर, नो, सुनील, नो, एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, यस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं। वेयर डिड सुनील थ्रो द पील, सुनील ने छिलका कहाँ फेंका, ऑन द रोड, यस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डस्टबिन में नहीं फेंका, फेंका होता तो कुछ होता ही ना। बूढ़े व्यक्ति पर, नहीं, वो तो दबाया ही नहीं था, ऑन द डॉग, नो, हमें आंसर पहले ही मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कुड द ओल्ड मैन नॉट गेट अप, ओल्ड मैन उठ क्यों नहीं पा रहा था, ही वॉज इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है उसको वो घायल हो गया था, उसको चोट लग गई थी। तो यही आपका फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, आगे नहीं जाते फिर। What did he promise to his father? उसने, सुनील ने अपने फादर से, अपने फादर से क्या प्रॉमिस किया, To help the needy? नहीं। To throw garbage into dustbin? Yes। कि मैं कूड़ा आज से डस्टबिन में फेंकूंगा। और आपको देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, जैसे रिमेंबर, remember, रिमेंबर, याद करना, इसका मतलब होता है। और एन्जॉय का मतलब होता है enjoy, एन्जॉय का मतलब होता है आनंद मनाना, आनंद, खुशी, खुशी मनाना, आनंद मनाना। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी पूरी की पूरी शीट, ठीक, जो यहाँ से शुरू हुई थी आपके वर्ड फॉर्मेशन से, और एक कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसको हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। और इस तरह से हम प्रतिदिन जब हम सीखेंगे, हर सप्ताह में एक बार जब हम सीखेंगे तो, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे हर रोज़, तो हम जल्दी से इंग्लिश सीख जाएंगे। तब तक के लिए, अगली बार तक के लिए, आप इसे पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं फिर से आऊँगी आपके पास। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।